रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन में छिड़ी जंग हो सकता है मैच। रे मिस्टीरियो को आई है इंजरी, वेड बैरिट का होने जा रहा है रिटर्न और जाने की कितनी आई इस बारी की रॉकी भी वृषभ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE मी गॉसिप्स। WHG गाइस, आज की वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बहुत सारे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे, तो होप करता हूं वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों रे मिस्टीरियो की न्यूज के साथ। तो मास्टर ऑफ 619 हो चुके हैं इंजर्ड। आप जानते हैं इस बीती रॉ में रे मिस्टीरियो ने फेस किया था दोस्तों अपने बेटे के साथ मिलकर डोमिनिक और सेथ रॉलिंस को, लेकिन वो मैच संपन्न सही ढंग से नहीं हो पाता है क्योंकि वहां आ जाते हैं द रेट्रीब्यूशन के मेंबर। द रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स ने दोस्तों बहुत पिटाई की वहां डोमिनिक और रे मिस्टीरियो को। खासकर दोस्तों दो बड़े रेसलर्स ने रे मिस्टीरियो को वहां स्टील पोल के ऊपर भी मारा है, यानी कि रिंग पोस्ट के ऊपर भी मारा है। अब गाइस बात की जाए इससे हुआ क्या, तो गाइस इससे रे मिस्टीरियो का मास्क पूरा सफेद से लाल हो गया। उनके सर के ऊपर दोस्तों अंदर काफी बड़ी चोट पाई गई है। ये चोट दोस्तों डॉक्टर्स ने ठीक तो कर दी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि रे मिस्टीरियो को हल्की सी इंजरी आ चुकी है। अगले हफ्ते क्या रे मिस्टीरियो आएंगे कि नहीं, इस पर सवाल निशान है। अब गाइस बात की जाए रे मिस्टीरियो की इस इंजरी की, तो ये तस्वीरें खुद रे मिस्टीरियो ने डाली अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ट्विटर के ऊपर। अब होप करते हैं दोस्तों रे मिस्टीरियो की हालत में सुधार आए जल्द से जल्द। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से ही। तो जहां रॉ के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, रॉ की व्यूअरशिप ने दोस्तों काफी बड़ा कांड कर दिया है क्योंकि व्यूअरशिप में पाया गया है 23% तक का उछाल। तो जब से दोस्तों थंडरडोम आया है तब से दोस्तों व्यूअरशिप काफी स्पाइक में जा रही है, काफी हाई में जा रही है। और आप जानते हैं इस बारी का जो स्मैकडाउन रहा था यानी कि लास्ट वीक का, जहां थंडरडोम हमें पहली बार देखने को मिला था वो भी 2 point something आई थी, और इस बार दोस्तों जो आंकड़ा आया है रॉ का वो है 2.0 million, यानी कि पूरी 2 million को छुई है मंडे नाइट रॉ। लास्ट वीक 1.64, इस हफ्ते दोस्तों लगभग 23% का इजाफा। सही बात है दोस्तों कि विंस मैकमैन काफ़ी बड़े जीनियस है और इससे दोस्तों स्पष्ट भी होता है। अब देखते हैं क्या मंडे नाइट रॉ अगले वीक भी ऐसी रहती है कि नहीं। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है वेड बैरिट से, जिनका होने जा रहा है रिटर्न। जी आपने बिल्कुल सही सुना, अगर आप नेक्सस के बहुत बड़े फैन रहे हैं और अगर बैड न्यूज बैरिट कैरेक्टर आपको दिल से पसंद था, तो गाइस आपके लिए चांदी से कम नहीं है। वेड बैरिट को दोस्तों WWE शायद से साइन कर चुकी है। अब गाइस यहां आपको उतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेड बैरिट को दोस्तों एज ए कॉमेंटेटर WWE ने साइन किया है। बताया ये जा रहा है दोस्तों रायन सैडिन के अनुसार कि वेड बैरिट इस वीक NXT का पार्ट हो सकते हैं और हमें कमेंट्री टेबल पर बैठते हुए नजर आ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों वेड बैरिट को हम आखिरी बार WWE के अंदर साल 2016 में देखे थे और अब फिर से दोस्तों 4 साल बाद 2020 में उनके दर्शन होने वाले हैं। दैट मीन्स दोस्तों कहीं ना कहीं WWE को लेकर उनके जो रिलेशंस थे विंस मैकमैन के साथ वो सुधर चुके हैं। इससे दोस्तों हम एक तरीके की होप जगा सकते हैं कि इन फ्यूचर वेड बैरिट ज्वाइन करेंगे WWE को। अब कमेंट्री टेबल की बात लगी ही है तो एक रेसलर ऐसा भी है जो कि वेड बैरिट के जैसा अब कमेंट्री टेबल पर ही बैठा रहता है, नाम है समोआ द सबमिशन मशीन। तो गाइस आप जानते हैं समोआ जो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल रहे हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर, जो कि दोस्तों बहुत से फैंस को अच्छा नहीं लगता क्योंकि समोआ जो फाइट करते हुए ही बेहतर लगते हैं। अब बात की जाए जो की, तो जो के ऊपर भी दोस्तों आज ब्रांड न्यू अपडेट हमारे सामने आया है। समोआ जो पर दोस्तों रूमर्स ऐसे थे कि वो जल्द अपना इन रिंग रिटर्न करेंगे, लड़ेंगे सेथ रॉलिंस के समक्ष या फिर कह लीजिए उनके अगेंस्ट, वो आज से ठीक 2 हफ्ते पहले खड़े भी हुए थे। तो हमें एंगल देखने को मिलता कि डोमिनिक के लिए दोस्तों वहाँ समोआ जो बिल्कुल फायर्ड अप हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर से वो टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ दोस्तों डे मेल्जर की माने तो समोआ जो इस वक्त रेसल नहीं करने वाले हैं। दरअसल समोआ जो का दोस्तों जो करियर है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है कि अभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंकशंस आ रखे हैं। इंजरीज के साथ साथ दोस्तों एक और गलत कार्य जो हुआ है वो ये भी है दोस्तों कि विंस मैकमैन को समोआ जो कमेंट्री टेबल पर बहुत भा रहे हैं। तो समोआ जो की कमेंट्री दोस्तों मुझे पर्सनली कोरी ग्रेव्स से बेहतर ही लगती है, और गाइस समोआ जो विंस मैकमैन के काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा बन चुके हैं कमेंट्री टेबल पर। विंस मैकमैन काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं समोआ जो को,
साथ ही साथ दोस्तों उनकी पे में भी कुछ घटाव नहीं आया, सेम टू सेम वैसा ही पे किया जा रहा है जैसे कि दोस्तों ऐसे रेसलर उन्हें पे किया जाता। दैट मीन्स दोस्तों समोआ जो काफ़ी समय तक हमें कमेंट्री टेबल पर ही बैठे हुए नजर आएंगे, मेरे हिसाब से 1 से 2 महीना भी लग सकता है उनके रिटर्न को। साथ ही साथ बात की जाए दोस्तों जो की, तो जो का रिटर्न जब भी होगा तो गाइज वो काफ़ी बढ़िया होगा, इसी कामना के साथ चलते हैं आज की अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है क्रिस बेनवो से, जो कि पीटी रॉ में दिखाई दिए। अब गाइज आप डर ना जाए, उससे पहले ही आपको मैं बता देता हूँ, दरअसल क्रिस बेनवो की तस्वीर हमें मंडे नाइट रॉ में दिखाई दी है। अबे बिग डील क्यों है, क्योंकि दोस्तों क्रिस बेनवो WWE के अंदर कुछ इस तरीके से बैन है, जिस तरीके से दोस्तों स्टील चेयर्स का यूज सर के ऊपर। दरअसल दोस्तों क्रिस बेनवो की मौत बहुत बुरे सर्कमस्टांसेस में हुई थी। क्रिस बेनवो ने दोस्तों अपनी पत्नी समेत अपने बच्चे का कत्ल किया था और खुद को फांसी लगा दी थी। तब से लेकर अभी तक विंस मैकमैन के दिल में क्रिस बेनवो कांटे की तरह चुभते हैं। दरअसल क्रिस बेनवो दोस्तों WWE के अंदर पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन इस बार के थंडरडोम में कुछ ऐसा हुआ जिसने विंस मैकमैन को शायद से विचलित कर दिया होगा। तो थंडरडोम में दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी टेलीविजन स्क्रीन या फिर कह लीजिए अपने लैपी के द्वारा, अपने पीसी के द्वारा कनेक्ट होते हैं मंडे नाइट रॉ से, और उसके अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, उसके अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है अपनी टेलीविजन स्क्रीन या फिर कह लीजिए अपने कैम कॉर्डर के साथ, वो कुछ भी मस्ती कर सकता है। इस बार दोस्तों एक बंदे ने खुद की तस्वीर या फिर कह लीजिए खुद को डिस्प्ले करने के बजाय क्रिस बेनवो की तस्वीर को डिस्प्ले कर दिया, और ऐसा दोस्तों एक नहीं दो बारी हुआ, जिससे दोस्तों फैंस ने इस बारी की रॉ में देखा भांपा। अब ट्विटर के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। क्रिस बेनवो दोस्तों WWE के अंदर बैन थे, लेकिन फैंस ने दोस्तों उनको फिर से अनबैंड कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों WWE कैसे कैसे मेजरमेंट्स लेती है इन थिंग्स से बचने के लिए, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम कि जो फैंस है वो इन थिंग्स का गलत यूज किए ही जा रहे हैं। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रेट्रीब्यूशन के एक ऐसे सुपरस्टार से जिसे फैंस ने कर लिया है डिटेक्ट। तो गाइस ये दो बड़े बंदे जो हमें मंडे नाइट रॉ में दिखाई दिए थे, इन्हें दोस्तों फैंस ने कर लिया एक तरीके से डिटेक्ट, जहां दोस्तों एक बंदे को बताया जा रहा है कि वो कोई और नहीं डोमिनिक डायजोकोविक ही है। वहीं दोस्तों दूसरा व्यक्ति जिसकी स्किन टोन हल्की सी दोस्तों डार्क थी, उसे बताया जा रहा है कोई और नहीं डियो मैडिन है। डियो मॉर्डिन अगर आप भूल चुके हैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से काफी समय पहले जब रे मिस्ट्री और ब्रॉक लेसनर की राइवलरी स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त दोस्तों ब्रॉक एक बंदे को कमेंट्री टेबल पर फोड़े थे जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था। ये वही व्यक्ति है दोस्तों, और फैंस के अनुसार डियो मैडिन वो व्यक्ति है जो कि बीती रॉक के अंदर डोमिनिक के साथ मिलकर रे को फोड़े है विंग पोस्ट के ऊपर। अब गाइस ये फैंस की स्पेकुलेशन है, लेकिन वाकई में इसमें काफी ज्यादा दम भी है, क्योंकि फैंस है, जनता है, सब जानती है। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन से। गाइस जहां रोमन रेंस स्मैकडाउन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर चुके हैं, अब दोस्तों बात लगने लगी है कि रॉ का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो हुआ क्या है कि रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर ह्यूज शॉट्स ले लिए हैं। दरअसल हुआ क्या कि सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि रैंडी ऑर्टन एक कुत्ते की तस्वीर डालकर, ग्रीफन की तस्वीर डालकर मॉक किए थे रोमन रेंस को, ये चीज कहे थे कि तुम्हारे दांत कुछ इसके जैसे ही लग रहे हैं इस वक्त, और बिग डॉग इज बैक करके उन्हें वेलकम भी किए थे। दरअसल उनका मतलब उस पोस्ट से वही था, लेकिन स्टिल दोस्तों वो जोक में कहे थे, लेकिन रोमन रेंस को शायद वो बात चुप गई। रोमन रेंस ने दोस्तों एक पोस्ट की जो कि उनके चेहरे से जुड़ी हुई थी, उन्होंने दांत अपने दिखाए, बिल्कुल स्माइल किया दिखाते हुए दोस्तों, वो नीचे क्या लिखे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी सेम रिएक्ट करता, क्योंकि इस वक्त सारे के सारे लोग मेरी बात कर रहे हैं, मेरी चर्चा कर रहे हैं, और तुम्हारी कोई भी चर्चा नहीं कर रहा, गेट योर नंबर्स अप बेटे। तो ये थिंग उन्होंने रैंडी को कही। अब रैंडी भी दोस्तों काफ़ी चला के, रैंडी को भी गुस्सा आ गया। रैंडी ने दोस्तों तस्वीर डाल दी एक गधे की तस्वीर उन्होंने डाली, और नीचे ये चीज़ लिखी कि तुम्हारे दांत कुछ इस गधे की तरह या फिर कह लीजिए हॉर्स की तरह दिख रहे हैं,
एज यू कैन सी हियर व्हाट ही रोट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि तुम्हारा जबड़ा बिल्कुल घोड़े के जबड़े के समान लग रहा है। अब गाइस बात की जाए क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी है, किसके रिलेटेड, तो रोमन रेंस ने दोस्तों हाल ही में अपने रिटर्न से पहले टीथ व्हाइटनिंग कराई थी, साथ ही साथ उन्होंने विनियर्स का प्रयोग किया था जिसके तहत उनका दांत दोस्तों यानी कि उनके जो सारे के सारे दांत है वो अपना गैप छोड़ चुके हैं, उनके दांतों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और रैंडी के अनुसार जो घोड़े होते हैं उनके दांतों के बीच में गैप नहीं होता है, तो घोड़े से कंपेयर कर रहे हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस को इसी पर गुस्सा आ रहा है। बात की जाए इनके मैच की तो गाइस कई एक्सपर्ट्स की माने तो सिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने रिसोर्स को कह रखा है कि वो एक या फिर दो फाइट के लिए एक दूसरे के ब्रांड में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कॉर्बिन भी दिखाई दिए थे, आगे जाकर दोस्तों रोमन रेंस अपना ब्रांड छोड़ सिर्फ एक फाइट के लिए रॉ में जा सकते हैं, रैंडी को फेस कर सकते हैं, बट फाइट होती तो आपका सपोर्ट किसे रहेगा कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो को अंत करने से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।